ज्वाइन कर लेते हैं जल्दी से। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए थे ना, वायरिंग, वायरिंग से शुरू किया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। बट सब लोग आ गए। ओके, सो लास्ट में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग किए थे कुछ, सिंगल फेज वायरिंग, और हमने देखा था कॉन्टेक्टर, हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्टेक्टर, है कि नहीं, याद है? डिड यू रिमेम्बर? स्क्रीन दिख रहा है सबको? इज माई स्क्रीन विजिबल? अरे कोई रेस्पॉन्स तो करो यार। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। चलो ठीक है, तो लास्ट डे हमने कॉन्टेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था कि कॉन्टेक्टर क्या होता है। कॉन्टेक्टर होता है एक मैकेनिकल स्विच जो एक साथ दो या दो से ज्यादा सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी हमको, क्योंकि हमको ऑटोमेशन करना है ना, हमको एक साथ दो या तीन सर्किट को ऑन ऑफ करना है, और हो सकता है वो सारे सर्किट्स जो हम एक साथ ऑन या ऑफ कर रहे हैं उसका वोल्टेज भी अलग अलग हो। तो हम नॉर्मल जो अपना घर में जो यूज करते हैं, आप लोगों ने जो स्विच आज तक देखा है, वो स्विच से हम ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसको कहते हैं टॉगल स्विच, दैट इज ए मैकेनिकल स्विच, कि अगर आप उसको ऑन करते हो तो ये ऑन रह जाता है ना, और फिर जब हम इसको ऑफ करते हैं तब जाके ये ऑफ होता है। बट हमको चाहिए ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक पकड़ लो एक सिचुएशन कि आपका एक मोटर है और आपने मोटर को ऑन किया, ठीक है, तो स्विच ऑन किया तो मोटर ऑन हो जाएगा। जैसे आपका मोटर ऑन हो गया, उसके बस माइक्रोफोन में बोला और ऑन हो ऐसा, आप उस पकड़ लो, हम क्या कर रहे हैं, एक मोटर ऑन कर रहे हैं। जैसे ही हम मोटर ऑन कर रहे हैं, मोटर ऑन करते हैं और फिर वो ऑन रहता है, लेकिन अचानक से कुछ फॉल्ट आता है, ओवरलोड हो गया, कुछ फॉल्ट आया, तो मोटर को क्या करना है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाना है, बंद होना है। एंड जब आप फॉल्ट को रिसेट करो तो ये फिर से ऑटोमेटिक चालू नहीं होना है, वो बंद कंडीशन पे रहे, आप अगर चाहो तो चला सकते हो फिर से। तो इस टाइप के कुछ सिचुएशंस आएंगे। फिर ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि मेरे पास दो मोटर है, एक मोटर चल रहा है, दूसरा बंद है। पहला वाला जैसे ही बंद होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक चालू हो जाए, है ना। ऐसे कंडीशंस आपको मिलेंगे कि पकड़ लो बॉटलिंग प्लांट है, तो बोतल आ रहा है, अगर बोतल आया तो एक जगह पे आके उसको रुकना है, वहां पे कुछ इस पे फिलिंग होगा, फिर वो आगे निकलेगा, उस पे लेवलिंग होगा, उस पे कैपिंग होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं थ्रू ऑटोमेशंस। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज योर कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर और रिले, आप बोल सकते हो रिले, तो कॉन्टेक्टर हो रिले हो, वो काम कैसे करता है वो हमने देखा कि भाई कॉन्टेक्टर हो या रिले हो, उसमें एक कॉयल रहता है। इस कॉयल पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसका जो आर्मेचर है वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसको वो खींचता है, और उस आर्मेचर के साथ हम लिंक लगा के रखते हैं, और लिंक में जो कॉन्टेक्ट लगते हैं उस कॉन्टेक्ट को हम कहते हैं मूविंग कॉन्टेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात?
ये जो लिंक है और लिंक के साथ जो कॉन्टेक्ट लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं मूविंग कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये मूव कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। और दूसरा जो कॉन्टेक्ट है जो इसके बॉडी के साथ लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। तो एक हो गया मूविंग कॉन्टेक्ट, एक हो गया फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आर्मेचर नीचे खींचेगा, तो मूविंग कॉन्टेक्ट आके आपके जो क्या कहते हैं इसको फिक्स्ड कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से हम अपना जो भी लोड है, पकड़ लो आप कोई एक बल्ब चला रहे हो, कोई मोटर खींच रहे हो, तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं उसका पावर सप्लाई दे के। अब जब ये हो जाएगा तो एक और सप्लाई हमको लगाना पड़ता है, वो क्या है, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई। यहाँ पे आपको देना है ऑक्सिलरी सप्लाई सो दैट आपके कॉयल में करंट आए। जब कॉयल में करंट आएगा फील्ड बनेगा, फील्ड खींचेगा, ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, आपका करंट चला जाएगा, फील्ड चला जाएगा, ये फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है या फिर फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप का होता है, वो हमने लास्ट में देखा था। एक को हम बोलते हैं एनो कॉन्टेक्ट और एक को बोलते हैं एनसी कॉन्टेक्ट। एक होता है नॉर्मली ओपन और ये होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब जब आपका कॉयल एनर्जाइज नहीं है उस वक्त इसका कंडीशन क्या है, इसको कहते हैं नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। जो नॉर्मली ओपन होता है जैसे ही एनर्जाइज होगा उस वक्त ये क्लोज हो जाएगा, है ना, सर्किट को मेक करेगा। और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है जैसे ही सप्लाई आएगा वो इसको ओपन कर देगा, मतलब ब्रेक कर देगा। अच्छा जी, तो ये सारा चीज हम समझ गए कॉन्टेक्टर का, है ना। सो कॉन्टेक्टर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच दैट कैन ब्रेक और मेक टू और मोर सर्किट्स एट अ टाइम एंड ऑल द सर्किट्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द सर्किट्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लास्ट डे एक सर्किट बनाया था और हमने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, जो हमारा पहला प्रॉब्लम था दैट एक स्विच से हम तीन डिफरेंट वोल्टेज लेवल को कंट्रोल किए थे। और उसको कैसे किए थे भाई, कि अगर तीन वाल्व है मेरा, तो यहाँ पे देखो ये रहा मेरा 220 वोल्ट का लाइन, है ना, दिस इज द लाइन फॉर 220 वोल्ट एंड दिस इज द न्यूट्रल फॉर योर 220 वोल्ट। तो एक न्यूट्रल है, एक लाइन है, और आप लोगों को कनेक्शन पता है, लास्ट टाइम हमने देखा था, आपको पता है कनेक्शन कैसे करते हैं। तो लाइन से लाके आप इसको जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्टर का उसमें आपने लगा दिया और दूसरा एंड से आपने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया थ्रू लोड। ये मेरा लोड है ना। और जो मेरा 110 वोल्ट का है जो बल्ब था उसको भी हमने कैसे किया, एक दूसरे कॉन्टेक्ट से, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट, है ना, एक एक को कॉन्टेक्ट बोलेंगे। तो दूसरे कॉन्टेक्ट का एक एंड में फिक्स्ड एंड में हमने लगाया और दूसरे फिक्स्ड एंड से हमने बल्ब B2 को कनेक्ट किया उसके न्यूट्रल के साथ। तो यहाँ पे हमको तीन स्विच चाहिए। हाँ, एक स्विच से कंट्रोल, ये से कैसे हो जाएगा, हमको तीन चाहिए। मेरा मेन स्विच तो ये है ना, एक ही स्विच है। हाँ, तो एक स्विच से तीनों बल्ब तो काम नहीं करेगा ना। वही, उसीलिए तो हमने कॉन्टेक्टर लगाया, ठीक है, कि हम इस एक स्विच जो है हमारे पास उससे हम क्या करेंगे, सिर्फ इस कॉइल को सप्लाई देंगे। एक ही एक स्विच से, एक टॉगल स्विच से एक कॉइल को दे सकते हैं, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं एक स्विच के थ्रू, और बाकी जो स्विचेस है जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट है वो सारे क्या है, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है इसके साथ, इस सर्किट के साथ, जो कॉइल का सर्किट है इसके साथ। ये वाला सर्किट का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, ये तो सिर्फ आपका लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। और लिंक जो बना हुआ है ये कैसा बना होगा, ये वाला जो आर्मेचर का जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना है बट इंसुलेटेड है, समझ रहे हो, तो ये इंसुलेटेड है इसलिए इसका करंट इस वाले सर्किट पे नहीं जाएगा, इसीलिए हमको अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग सप्लाई लेना पड़ रहा है। Am I clear or not? अगर किसी को confusion है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं, तो 220 पे बने इनको भी है।
हाँ बताओ, हाँ बोलो रंजन सर, हमको स्विच तीन चाहिए ना सर। हाँ हमको तो तीन बल्ब चलाने हैं। हाँ एक घंटा एक एक स्विच एक ये से एक स्विच से, हाँ तीन बल्ब को हमको कंट्रोल करना है कि हम क्या है ना, हम चाहते हैं कि मैं अपने टेबल पे बैठा हूँ तो मैं एक स्विच को प्रेस करूंगा और नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, म्यूट कर लो। हाँ थैंक यू। सो क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे पास एक ही स्विच हो और हम एक स्विच को प्रेस करें तो मेरा बल्ब B1 एंड B2 ये दोनों जले और B3 ऑफ रहे, और जब मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो मेरा B1 एंड B2 ये दोनों बंद हो जाए और मेरा B3 बल्ब जले, है ना, ये हम चाहते हैं। तो ये वाला एक स्विच से हम कैसे इन तीनों को कनेक्ट करेंगे, वो उपाय नहीं था क्योंकि तीनों का वोल्टेज जो है वो अलग अलग है, एक 24 वोल्ट का है, एक 110 वोल्ट का है, एक 220 वोल्ट का है। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्टेक्टर लगा दिया और कॉन्टेक्टर का कॉयल का जो सप्लाई है उस कॉयल का सप्लाई को हम इस स्विच से कंट्रोल करेंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे कॉन्टेक्टर का कॉयल में सप्लाई आएगा तो फील्ड बनेगा तो कॉन्टेक्टर अपने कॉन्टेक्ट को खींचेगा। और ये जो कॉन्टेक्टर हम लिए है इसमें चार कॉन्टेक्ट है, ठीक है, आपको मार्केट पे दो कॉन्टेक्ट का भी मिलेगा, चार का भी मिलेगा, छह का भी मिलेगा, ठीक है। सो ये जो कॉन्टेक्टर हमने लिया है, ये कॉन्टेक्टर हमने लिया है चार कॉन्टेक्ट का कॉन्टेक्टर, जिसमें दो NO है और दो NC कॉन्टेक्ट है, ओके, 2NO 2NC। ये देखो ये NO है, ये भी NO है और ये NC कॉन्टेक्ट है, ये भी NC कॉन्टेक्ट है, समझ रहे हो। जो हमारा देखो यहाँ पे जिसमें हमने लिख के रखा है ना, ये 13 14, ये क्या है, NO कॉन्टेक्ट है, और कौन सा है 43 एंड 44, ये क्या है, NO कॉन्टेक्ट है। NC कॉन्टेक्ट कौन सा है, 31 32 एंड 21 22, ये दोनों NC कॉन्टेक्ट है, वेरी गुड। सो ये जो कॉन्टेक्ट होता है इसका नंबर का भी बहुत खेला है, आपका जो कॉन्टेक्टर मार्केट पे मिलेगा ब्रांडेड कॉन्टेक्टर जो आएंगे उसका नंबर देख के आप बोल सकते हो कि भाई ये NO है कि NC है। कैसे, अगर NC होगा तो उसका जो सेकेंड डिजिट है ना इसमें 1 और 2 रहेगा, और अगर NO होगा तो सेकेंड डिजिट पे 3 और 4 होगा। मतलब हम जब इलेक्ट्रिकल का कोई भी सर्किट देखेंगे मार्केट पे, जो भी डिवाइसेस आते हैं, स्विचेस आते हैं, उसमें जहां पे भी 1 और 2 लिखा है वो NC को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मली क्लोज को रिप्रेजेंट करता है, और 3 और 4 नॉर्मली ओपन को रिप्रेजेंट करता है। बोलो, तो NC को कौन रिप्रेजेंट करता है, NC को रिप्रेजेंट करता है 1 और 2, और NO को रिप्रेजेंट करता है 3 और 4। इसीलिए यहाँ पे देखो ये पहला स्विच है, पहला कॉन्टेक्ट है, पहला कॉन्टेक्ट और NO टाइप है, दूसरा कॉन्टेक्ट NC टाइप है, तीसरा कॉन्टेक्ट NC टाइप है, चौथा कॉन्टेक्ट NO टाइप है। समझ में आया कैसे हो गया ये 13 14, क्यों 1 2 नहीं लिखे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे सकते थे नंबर, बट ऐसे नहीं रहता है, रहता कैसे 13 14 21 22 23 31 32 43 44। तो आप जब देखोगे कॉन्टेक्टर को तो यहाँ पे ऐसा नंबर क्यों दिया है, इसलिए दिया हुआ है, ये एक नंबर कॉन्टेक्ट है जिसका NO है, दूसरा कॉन्टेक्ट है NC है, तीसरा कॉन्टेक्ट है NC है, चौथा कॉन्टेक्ट है ये NO है। चलो ये सारी चीजें हम बाद में डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे देखेंगे। कहने का मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको ये है, एक जो कॉन्टेक्टर होता है इसमें रहता है एक कॉयल और इसके साथ लगा होता है कुछ कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट NO भी हो सकता है और NC भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास एक कॉन्टेक्टर हो जिसमें चारों के चारों क्या है, NO कॉन्टेक्ट है, ठीक है, आपको मार्केट पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएगा, क्लियर। और क्या समझना है हमको कि ये जो कॉयल का हम सप्लाई देंगे, ये सप्लाई मेरा इस कॉन्टेक्ट पे नहीं आ रहा है, ये कॉन्टेक्ट का जो सप्लाई होगा वो अलग है, कॉयल का जो सप्लाई होगा वो अलग है, इस कॉन्टेक्ट में जो सप्लाई आएगा और इस कॉन्टेक्ट में जो सप्लाई आएगा ये दोनों भी कहीं पे मिल नहीं रहा है, ये अलग अलग सर्किट बन रहा है।
तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिकली कपल्ड कर रहे हैं सारे को, मैग्नेटिकली कपल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है हर एक कॉन्टेक्ट। क्लियर? मैं समझा पाया, मैं समझा पाया आपको? यस सर। ओके, तो अभी देखो हम और भी करेंगे ना, धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आप तो फिजिकली यहाँ पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जब हम दो चार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा जो एक स्विच था, जो हमको टास्क दिया गया था, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, क्या था कि मेरे को चाहिए एक स्विच से मैं तीन बल्ब को कंट्रोल करूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्विच से मैं कॉयल को कंट्रोल करते रहा हूँ, और इसी कॉयल से बाकी जो सर्किट है मेरे उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो हमने B3 जो बल्ब था, जिसको हमेशा जलना चाहिए, कब जलना चाहिए, जब स्विच मेरा ऑन ना हो, इसको हमने लगा दिया NC के साथ, नॉर्मली क्लोज के साथ। और जो बाकी दो बल्ब थे वो कैसा बल्ब थे कि जब मैं ये स्विच को ऑन करूंगा तब जाके ये जलने चाहिए, तो इनको लगा दिया मैंने NO के साथ, नॉर्मली ओपन के साथ। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, स्विच को ऑन करने से यहाँ पे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये खींचेगा आपके आर्मेचर को, आर्मेचर जैसे नीचे आया तो ये जो NO कॉन्टेक्ट था ये हो गया कनेक्टेड, और जो NC था ये ओपन हो गया। जब NC ओपन हो गया तो ये बल्ब जो है मेरा ये बंद हो गया, और ये बल्ब मेरा जलने लगा। फिर से देखो, स्विच को मैं ऑफ करता हूँ, स्विच को जैसे ही ऑफ करता हूँ, रौनक साइलेंट, स्विच को जैसे ही मैं ऑफ कर देता हूँ, स्विच को ऑफ करता हूँ तो क्या हो रहा है, इस ये जो कॉयल है, कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड चला जाता है, और ये जो नॉर्मल कंडीशन था कॉन्टेक्ट का वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है ना। नॉर्मल कंडीशन में ये कनेक्टेड है, NC है, तो मेरा बल्ब B3 जल रहा है, और एनर्जाइज पोजीशन में B3 ऑफ हो जा रहा है क्योंकि ये ओपन हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये होता है कॉन्टेक्टर, देख रहे हो, दीज आर द कॉन्टेक्टर्स। तो इसमें अगर हम नोट करें तो यहां पे देखो ये फोर कॉन्टेक्ट वाला है, L1, L2, L3 दिया हुआ है, और चौथा वाला जो है इसमें लिखा हुआ है 13, 14, देख रहे हैं सब लोगों को दिखाई दे रहा है। पहला वाला क्या दिया है इसमें, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट वन इज योर 13, 14। जैसे ही ये ऑन होगा तो इसका स्टेट जो भी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो L1, T1, L2, T2, L3, T3, ये तीनों होते हैं मेन कॉन्टेक्ट, और इसके ऊपर हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट ब्लॉक्स आता है, पकड़ लो ये तीनों के तीनों क्या है, NO कॉन्टेक्ट है, और मेरे को दो NC चाहिए एडिशनल, तो इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा ब्लॉक लगा सकता हूँ NC वाला। ये ब्रांडेड जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं उसमें, जैसे ये स्नाइडर का कॉन्टेक्टर लेते हैं, दिस इज योर कॉन्टेक्टर फ्रॉम स्नाइडर, दिख रहा है सबको? ये देखो स्नाइडर का कॉन्टेक्टर, यहाँ पे क्या है L1, L2, L3 है, और नीचे दिया होगा T1, T2, T3, और एक चौथा कॉन्टेक्ट नहीं दिया है क्या, और यहाँ पे दिया है आपका 13, 14, 21, 22, और क्या है A1, A2। A1, A2 का कनेक्शन क्या होगा, A1, A2 होता है आपका कॉयल का कनेक्शन, ठीक है। L1, L2, L3 होता है मेन कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ऊपर में स्नाइडर इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिक का जो ये वाला मॉडल है इसमें आपको एक्स्ट्रा आपको NO NC मिल रहा है। जैसे पहला वाला क्या है 13 है ना, तो मैंने क्या बताया था NO होगा तो क्या रहता है सेकंड डिजिट पे 3, 4 रहता है। ये देखो सेकंड डिजिट पे 3, 4 है क्योंकि ये पहला कॉन्टेक्ट है, इसलिए 13, 14 हुआ। दूसरा देखो 13, 14 के बाद कितना आया 21 आ गया। अब बोलोगे यार 13, 14 दिया तो 21, 22 क्यों दे दिया, क्योंकि
पहला डिजिट क्या मीन कर रहा है? फर्स्ट डिजिट इज मीन फॉर द कॉन्टेक्ट नंबर, कितना नंबर कॉन्टेक्ट है, तो टू है. और वन एंड टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो दूसरा डिजिट का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनसी है. तो हम नंबर देख के भी पता कर सकते हैं कि ये एनओ है कि एनसी है. क्लियर? Anybody has any doubt, any questions, any queries? No, sir. Okay. आगे बढ़े. अगर ये समझ गए हो तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो आज. ये प्रॉब्लम क्या है? पहले हमने क्या किया था, एक स्विच लिए थे, समझना बात को, एक स्विच लिए थे और हमने मल्टीपल आउटपुट लिया था. मतलब हमने कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया? सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट. ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया थ्रू कॉन्टेक्टर, कि एक स्विच से अगर हमको मल्टीपल आउटपुट को कंट्रोल करना है तो हम कॉन्टेक्टर के थ्रू कर पा रहे हैं. इट इज ओके. नाउ योर प्रॉब्लम नंबर टू क्या है? मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, कि दो तीन स्टेशन से आप एक ही आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हो. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वन बल्ब टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम टू स्टेशन सो दैट द बल्ब कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ फ्रॉम एनी और बोथ द स्टेशन. From any or both the stations. That is, if the bulb is switched on from station number one, यहाँ से अगर मैं बल्ब को ऑन करता हूँ, it can be switched off from station number two. ठीक है? अगर हम यहाँ से switch one से ऑन करते हैं तो हम दूसरे जगह से बंद कर सकते हैं, और अगर यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं. इस टाइप का हमको एक सर्किट बनाना है. क्या है हमारे पास? दो सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच है, जो नॉर्मल स्विच होता है, टॉगल स्विच होता है घर का, वैसा दो स्विच है. और हमको क्या चाहिए कि हमको एक ही आउटपुट को कंट्रोल करना है. वोल्टेज का यहाँ पे बात नहीं है क्योंकि सिंगल वोल्टेज ही है, 110 वोल्ट कर सकते हो, कर पाओगे इसको? पकड़ लो, आपका लाइन और न्यूट्रल आया, एक लाइन एक न्यूट्रल होगा, दो दो स्विच है और इन दोनों स्विच का ऐसे कनेक्शन बनाना है कि इसको अगर ऑन करें, इससे ऑन करें तो हम यहां से ऑफ कर सकें, यहां से ऑन करें तो यहां से ऑफ कर सकें. विल यू बी एबल टू डू इट? यस सर, हो जाएगा, करके दिखाओ. बट रिमेंबर वन थिंग, यहां पे हमको टू वे स्विच नहीं लेना है, टू वे स्विच नहीं चलेगा. यहाँ पे मेरे पास क्या स्विच है? सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच है, सिंपल, दो टर्मिनल मिलेगा, है ना. बनाओ सर्किट, बनाओ, ट्राई करो.
होगा हु आर आर ट्राइंग रंजन सिद्धार्थ अरिंदम धर्म धर्मवीर महेश कुतार हर्ष सिंह नीतु प्रीतम दे अनुभव सिद्धार्थ राव शशिंदर शुभम अंकिता सोनू मोहित चंद। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, क्या पता है नहीं कर पाए तो बताओ, हम करके देते हैं। नहीं हो रहा हर्ष, सोचो सोचो कैसे होगा। चलो ठीक है, हम मदद करते हैं, है ना। चलो हम मदद करते हैं। सब लोग देखो बढ़िया से, यहां से यहां पे क्या दिक्कत क्या आएगा ये देखो। अगर हम कॉन्टेक्टर यूज भी करते हैं, है ना, कॉन्टेक्टर अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, और तो यहां से देखो हमने क्या कर दिया, कर सकते हैं हम। ओके, तो स्विच से क्या होगा, हम किसी भी तरीके से एक ही कॉइल है इसको इस तरीके से कनेक्ट करें कि एक एक स्टेशन से हम इसको ऑन करेंगे और दूसरे स्टेशन से ऑफ करेंगे, ये चीज नहीं हो पा रहा। रौनक रौनक प्लीज, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस? ब्लू और ग्रीन कर दो। रौनक प्लीज डोंट मेक नॉइस। सो हम क्या हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम इसको इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक को ऑन करें तो दूसरा है। पकड़ लो ये एक स्विच है, ये एक स्विच है। अब दोनों स्विच को अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा, अगर हम सीरीज में लगा देते हैं दोनों स्विच को, तो दोनों ऑन होगा तब जाके मेरा बल्ब जलेगा, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, अगर हम दोनों बल्ब को क्या कर देते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, पकड़ लो हमने इन दोनों बल्ब को क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर,
तो ये ऑन होगा तब तो ये जलेगा, है ना। अगर ये ऑफ, इसको अगर ऑफ कर दे अभी, अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि कहीं से भी हम ऑन कर पाएंगे। यू कैन ऑन इट फ्रॉम दिस स्टेशन। अभी ये वाला स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, और अगर हम दूसरा स्विच ऑन करते हैं तब भी हमारा बल्ब जलेगा। इसको ऑन कर देंगे तब भी मेरा बल्ब जलेगा। तो पैरेलल कनेक्शन से दो स्टेशन से हम ऑन कर पा रहे हैं। बट थिंक कि अगर ये ऑन है तो मैं यहां से ऑफ कैसे करूंगा, यहां से ऑफ तो नहीं होगा। तो इससे का मतलब है कि हम कॉन्टेक्टर लगाकर भी इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे हमको मल्टीपल स्टेशन से एक आउटपुट को कंट्रोल करना है। कॉन्टेक्टर लगा के भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या चाहिए भाई, यहाँ पे नया स्विच आएगा आपके हाथ में, और एक नया स्विच आएगा और उसको कहेंगे हम पुश बटन। क्या कहेंगे? पुश बटन, ठीक है। जब हम पुश बटन लगा देंगे यहाँ पे, तो देखो यहां से अगर मैं अगर मैं पुश बटन लगाता हूं तो क्या होगा, जब ये स्टार्ट पुश बटन है, मैं जब इस पुश बटन को ऑन करूंगा ना, ये वाला ऑन कर दूंगा, तो करंट जो है, देखो करंट कैसे आ रहा है, ये 220 वोल्ट का लाइन है, ये आया। पहले एक एनसी पुश बटन दिया, क्या पुश बटन दे लिया, एनसी पुश बटन, नॉर्मली क्लोज पुश बटन दिया। पुश बटन क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो इसका जो पोजिशन है वो, अगर एनसी है तो ओपन होगा और एनओ है तो क्लोज होगा, इस टाइप का है। पुश बटन को हम दबाएंगे तो कॉन्टेक्ट को मेक करेगा, छोड़ देंगे तो कॉन्टेक्ट ब्रेक करेगा, है। तो ये एनसी पुश बटन है, इसका मतलब ये पहले से कनेक्टेड रहेगा, जब हम प्रेस करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसको हमने पहले लिया एक एनसी पुश बटन, और एनसी पुश बटन से लाइन को निकाल के लेके आए, और लाइन यहाँ पे आके दूसरे पुश बटन में घुस गया, PB4। दूसरा पुश बटन भी कैसा लिया हमने, एनसी पुश बटन लिया। अब ये एनसी पुश बटन से जाके कहां पे गया, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन में गया, जो है मेरा एनओ पुश बटन, नॉर्मली ओपन पुश बटन। और एनओ पुश बटन के पैरेलल हमने कनेक्ट कर दिया PB1, और यहां से दूसरा टर्मिनल से हमने लगा दिया कॉन्टेक्टर के कॉयल में, और यहां से भी हम कॉन्टेक्टर के कॉयल में कनेक्ट कर देंगे। मतलब आपका PB1, पुश बटन 1 एंड पुश बटन 3, ये दो पुश बटन किस टाइप का है, नॉर्मली ओपन टाइप है, और पुश बटन 2 एंड पुश बटन 4, ये दोनों कैसा है, नॉर्मली क्लोज टाइप है। ओके, जो नॉर्मली क्लोज टाइप है ये दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, और ओपन है उन दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया। तो एनओ वाला पुश बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये सर्किट को मेक करेगा, और एक बार मेक करके क्या करेगा, ये फिर से छोड़ देगा, है ना, मेक करेगा छोड़ देगा। जैसे ही ये मेक करेगा, ये वाला कॉन्टेक्टर का कॉयल में क्या होगा, सप्लाई आ जाएगा। सप्लाई आएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये मेरा बल्ब ऑन होगा। बट जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम जैसे इसको छोड़ देंगे, यहां से PB1 से जब हम छोड़ देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको लगाना पड़ता है होल्डिंग कॉन्टेक्ट। मतलब हम ये वाला जो स्टार्ट का लाइन है ना, स्टार्ट पुश बटन, ये स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक एनओ कॉन्टेक्ट लगा देंगे। बताओ क्या हुआ, सबमिशन करो ना, तुम टाइम है, तुम 6:30 बजे शुरू हुआ ना, 7:30-8 बज रहा है, 10 मिनट है अभी, जल्दी जल्दी से कर दो, हो जाए, जल्दी जल्दी से करो, जैसा भी होता है, आपके पास टाइम है, 15 मिनट टाइम है। तो क्या होगा, इस टाइप से हमको एक पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा, वो होल्डिंग कॉन्टेक्ट होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। अभी हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्विच, एंड दैट पर्टिकुलर स्विच इज कॉल्ड योर एनो पुश बटन। आपको दिया ना एक तो निकाल के हमने, हाँ हाँ। सो
यहाँ पे देखो ये सारे स्विचेस हैं, ठीक है। ये स्विच कैसा है, इसको हम कहते हैं एनोड टाइप सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। इसको हम जब प्रेस करते हैं ना तो कनेक्ट होता है, इसको फिर से आप दबाओगे तब जाके ये ओपन हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। ये है आपका एनसी टाइप, नॉर्मली क्लोज टाइप सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। इसको जब प्रेस करते हो तो ये सर्किट को ब्रेक करता है, और जब आप फिर से दबाते हो तो ये नॉर्मल पोजिशन पे आता है जहां पे ये सर्किट ब्रेक मेक रहता है। दूसरा होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। डबल थ्रो मतलब क्या है कि जब इसको ये एक कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर सर्किट को सप्लाई दे रहा है, सिंगल पोल है मतलब एक ही वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, और जैसे ही हम दबाते हैं ये दूसरे सर्किट को ऑन कर देता है, तो ये होता है डबल थ्रो, ठीक है। यह होता है आपका डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, मतलब आप इसमें दो वोल्टेज लेवल लगा सकते हो। पकड़ लो यहाँ पे हमने कितना लगा दिया, एक एक में हमने लगा दिया यहाँ पे पकड़ लो 220 वोल्ट, और इसमें हमने लगा दिया 110 वोल्ट, ओके। अब जब हम प्रेस करेंगे ना इसको, तो इस स्विच को जब हम प्रेस कर, सॉरी जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये दोनों सर्किट को एक साथ ऑन कर रहा है, और फिर से खोले हो तो दोनों सर्किट एक साथ ऑफ हो जाएगा। इसको कहते हैं डबल पोल सिंगल थ्रू, और ये होता है डबल पोल डबल थ्रू, मतलब आप जब इसको प्रेस कर रहे हो तो दो सर्किट एक साथ ऑन हो रहा है और दो सर्किट एक साथ ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे आप दो डिफरेंट वोल्टेज भी अप्लाई कर पा रहे हो। समझ में आया। अब क्या आता है कि इसके बाद आता है आपका पुश बटन। ये तो था आपका टॉगल स्विचेस। अब पुश बटन में क्या होगा, एक होगा एनोड टाइप पुश बटन, एक होगा एनसी टाइप पुश बटन। जब हम एनोड टाइप पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तब जाके आपका सर्किट क्लोज हो रहा है, बट जब आप पुश बटन को रिलीज कर दे रहे हो ये फिर से सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है। एनसी टाइप पुश बटन में क्या हो रहा है कि आप जब प्रेस कर रहे हो तब ये सर्किट को ब्रेक कर रहा है, आप जब रिलीज करते हो तो नॉर्मली ये सर्किट को मेक करके रखता है। तो दो टाइप के पुश बटन, पुश बटन बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, डिजाइन के आते हैं, लेकिन मेनली दो टाइप के बोलेंगे। एक को हम बोलते हैं नॉन रिटेंटिव टाइप। क्या बोलते हैं, नॉन रिटेंटिव टाइप, मतलब ये रिटेन करके नहीं रखता है। आप प्रेस किए, सर्किट मेक हुआ या ब्रेक हुआ, आपने छोड़ा, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। और एक होता है रिटेंटिव टाइप, जो हम इमरजेंसी पुश बटन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हेड है ना, इसको मशरूम टाइप भी बोलते हैं, इमरजेंसी पुश बटन बोलते हैं, कि इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे ये लॉक हो जाएगा, फिर से घुमाओगे तो ये खुलेगा। आप लोग जब इंडस्ट्रियल विजिट पे जाओगे तो ये सारी चीजें पैनल पे दिखेगा। एक होता है इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। अब दबाओ ये लॉक हो जाएगा, अब घुमाओ खुल जाएगा, ओके। अब कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो, 10 मिनट्स है, यू आर हैविंग 10 मिनट्स मोर। सो ये होते हैं पुश बटन। समझ में आया पुश बटन क्या होता है? देखे हो कभी पहले पुश बटन? एनीबडी? So these are called your push buttons, okay? और इन्हीं push button के साथ, ये push buttons के साथ हम जब contactor का combination करते हैं, contactor और push button को मिलाते हैं, तो हमारा सारा electrical का circuits बनता है, ठीक है? अभी हम push button को connect करके कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ये जो आज का जो हमने problem दिया आपको, इसको कैसे solve करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज देखा, यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि यार अगर हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, पकड़ लो ये वाला पुश बटन को प्रेस करते हैं, तब कॉइल में सप्लाई तो आता है, लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देते हैं सप्लाई चला जाता है। हम इस वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं तब भी सेम चीज होता है। तो यहाँ पे हमको चाहिए होल्डिंग, और होल्डिंग कैसे देंगे? होल्डिंग देने के लिए हमको उसी जहां से ये ब्रेक हो रहा है उसके पैरेलल एक इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट लगा देना पड़ेगा। ये जो 13-14 होता है ना, यहाँ पे हम होल्डिंग कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम होल्डिंग लगाएंगे। और इस चीज को, और यहाँ पे देखो होल्डिंग कॉन्टेक्ट हमने लगा दिया। किस तरीके से लगाया? ये जो आपका PB3 से जो लाइन निकला PB3 और PB1 में, इसी से इसका पैरेलल हमने ये 13 वाला कॉन्टेक्ट ले लिया, और जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये आके यहाँ पे लगा हुआ है, इससे हमने 14 में लगा दिया।
ठीक है। तो जैसे ही अभी क्या होगा कि जैसे ही आपका ये वाला स्विच हम प्रेस करेंगे, कोई भी एक, चाहे PB1 प्रेस करो या PB2 प्रेस, PB3 प्रेस करो, तो आपका करंट क्या होगा, कॉइल में आएगा, कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। कॉइल जैसे एनर्जाइज होता है, आपका ये 13 और 14 क्या होगा, मेक हो जाएगा। ये जब मेक होगा तो करंट क्या होगा, इधर से पास होना शुरू करेगा, इस टाइप से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से करंट कॉइल में आना शुरू करेगा। अब अगर आप यहां से काट भी देते हो, अगर इधर से करंट नहीं भी आ रहा है ना, तो करंट क्या होगा आपका, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ऐसे होके इस लाइन से करंट इसको मिलता रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं होल्डिंग, होल्डिंग। अब आपका कॉन्टेक्टर जो है वो होल्ड हो गया है। अगर आपको इसको बंद करना है तो कोई भी एक पुश बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, चाहे PB2 या PB4। आपका जैसे ही इसका कनेक्शन काटते हो, यहां से क्या होता है, आपका सप्लाई ऑफ हो जाता है, ये डीएनर्जाइज होता है, डीएनर्जाइज होता है तो आपका 13-14 फिर से ओपन होता है, फिर कॉइल को करंट नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप इसको प्रेस नहीं करते। ओके, समझ में आया कुछ समझ में आया? इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग, जिसको हम बोलते हैं P2P डायग्राम, क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम, इसमें दिखा रहे हैं कि ये 220 वोल्ट का लाइन आया, लाइन आके आपका NC पुश बटन में आया, फिर उसके साथ सीरीज और एक NC पुश बटन में आया, और फिर आपका NO पुश बटन जो दो है यहाँ पे आ गया पैरेलल में, और फिर यहाँ से गया मेरा कॉन्टेक्टर के कॉइल। अब इसी कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट जो है, ये मैं क्या कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इस बल्ब को जलाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा कॉन्टेक्ट जो है, अभी देखो यहाँ से जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, PB3 को प्रेस किया तो करंट आएगा कॉइल में, बल्ब तो ऑन हो जाएगा, ये लग जाएगा भाई, बट जैसे ही हम कॉन्टेक्टर को पुश बटन को छोड़ेंगे, ये फिर से ओपन हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग देना है। तो होल्डिंग कैसे दिए, देखो PB1 और PB3 के पैरेलल में हमने इसी K1 कॉन्टेक्टर का एक NO कॉन्टेक्ट लगा दिया है, NO कॉन्टेक्ट लगा दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा, चाहे मैं PB1 को प्रेस करूं या PB3 को प्रेस करूं, तो इस कॉन्टेक्टर में आएगा, कॉइल में आएगा करंट। करंट आते ही ये वाला कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा। दो कॉन्टेक्ट है मेरे पास, यूज कर लिया, लाइट जल गया मेरा, और फिर मैंने पुश बटन छोड़ दिया। जैसे पुश बटन छोड़ दिया, ये तो ओपन हो गया, लेकिन करंट जो है वो इधर से कंटिन्यू कॉइल को मिलता रहेगा, ये एनर्जाइज रहेगा, तो मेरा बल्ब या मोटर हो, मोटर चलता रहेगा। समझ में आया? पुश बटन का खेला समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर समझ में आया है तो आज का एक टास्क मैं आपको देता हूं, चलो आज का एक टास्क ले लो, इसको ट्राई करना, आराम से बैठ कर ट्राई करो, तब जाके पूरा समझ में आएगा। अगर इसको कर सकते हो ना, तो कॉन्टेक्टर का खेला समझ जाओगे। पकड़ लो, आपके पास एक फील्ड है, और फील्ड में ना दो गेट है, यहाँ पे गेट टू और ये मेरा गेट वन, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, ये आपका कंट्रोल रूम है, दिस इज योर कंट्रोल रूम। अभी हमको क्या चाहिए ना, कंट्रोल रूम के ऊपर हम लगाएंगे एक फुटर, एक साइरन। हमको चाहिए कि ये वाला, अगर मेरा गेट वन का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अगर यहाँ से एक बटन को प्रेस करे तो ये साइरन बजे, और अगर गेट टू से चाहे तो वो बंद कर दे। सिमिलरली अगर ये वाला सिक्योरिटी गार्ड कोई साइरन को ऑन करे और ये भूल जाए या फिर ये कहीं पे चला जाए, तो दूसरा वाला क्या करे, बंद कर दे। हो सकता है ना ऐसा कि पकड़ लो यहाँ पे आग लग गई,
ओके समथिंग डेंजर इज देयर, तो इस सिक्योरिटी गार्ड को ये यहां से दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा। तो इसने क्या किया, आपको अलार्म दे दिया, सायरन बजाया और ये दौड़ के चला गया इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने, आग बुझाने लग गया। तो सायरन ऐसे ही बुझ रहा है, बज रहा है, तो इसको बंद करना है। कौन करेगा? दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड अपने स्टेशन से बैठ के करेगा। इसको बंद करने के लिए यहाँ से यहाँ पे उठ के आने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर टास्क, यू डू इट, परफॉर्म इट, वेरी गुड, वेरी नाइस। आसमान में हाँ थोड़ा थोड़ा रेडिश कर दो, सांसद है, फाइव मिनट्स है अभी, डोंट वरी। सो भाई इसको आप लोग करो, नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रॉब्लम देखूंगा आपका, आपके पास एक दिन का टाइम है। ये जो वीडियो मैंने आज आज का जो लेक्चर है इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप इस वीडियो के सहारे आप समझ सकते हो कि कैसे करना है। आप लोग पूरा का पूरा वायरिंग करना, कैसे करोगे, दोनों स्टेशन में दो दो पुश बटन लगाओ, दो दो पुश बटन लगाओ, एक को एनओ रखो एक एनसी रखो, मैं बता देता हूँ कुछ कुछ, एक को एनओ रखो एक एनसी रखो और कॉन्टेक्टर लगा देना, और कॉन्टेक्टर के साथ आप पावर कनेक्शन कर देना हीटर का, ओके, और कंट्रोल सर्किट जो बनेगा वो आपका स्विच के थ्रू ये कॉन्टेक्टर के कॉइल में बनेगा। ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। अभी के लिए मैं यहाँ पे खत्म करूंगा आज का क्लास, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा उसको देख लेना फिर से, तो समझ में आएगा। ओके ओके चलो बाय 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 सर। कॉन्टेक्टर ये सब का स्विच ये सब का सर पीडीएफ नहीं मिलेगा? पीडीएफ यस पीडीएफ 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 ठीक है मैं देखता हूँ। कॉन्टेक्टर का सर ओएनसी नहीं उसका बहुत एग्जैक्टली उसका ठीक है, मैं कुछ लिटरेचर देता हूँ आपको। ओके चलो अभी के लिए बाय बाय, मेरी बेटी का एग्जाम चल रहा है उसको। ओके श्योर श्योर उसका ये सेंड करना है मुझको। ओके हाँ अपलोड कर दिया प्रीवियस क्लास का, तो अपलोड हो गया है, आपके ग्रुप में भी दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है मैंने लिंक, मिला ना लास्ट क्लास का सिद्धार्थ, चेक कर लेना। ओके बाय बाय।